हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल कोठियाल जी। आज आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूँ JBL का स्पीकर। तो आज इसको अनबॉक्स करेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी चेक आपको कराऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी चेक आपको करा देता हूँ। यहाँ पर ऐसा ये स्पीकर होगा, फोटो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे JBL का लोगो लगा है, यहाँ पे लिखा है फिलिप एसेंशियल, यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन आपको मिल जाता है और सबसे बड़ी बात 10 आवर्स की इसकी बैटरी होगी, जो यहाँ पे छोटे से अक्षर में लिखा गया है। बाकी आपको इधर इसका प्राइस रेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है डेयर टू लिसन। बाकी आपको इधर कुछ की फीचर इसके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दे, तो यहाँ पे लिखा ब्लूटूथ 10 आवर्स का इसका प्ले टाइम है। और सबसे बड़ी बात इस स्पीकर की, यह वो एक वाटरप्रूफ स्पीकर है, तो पानी से इसे कोई भी खतरा नहीं होने वाला। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। हम इसको करेंगे ओपन, तो ये बॉक्स अभी खाली है तो इसको साइड में रखेंगे। बाकी पैकिंग तो काफ़ी लाजवाब मिलती है यहाँ पे। ये इसका फ्रंट बॉक्स होगा, देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल मिल जाता है देखने के लिए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें इसकी सारी क्वालिटी के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, पैकिंग तो काफ़ी शानदार है इसकी। ये रहा दोस्तों आपका JBL का स्पीकर। तो इसकी साउंड चेक आपको कराता हूँ, उससे पहले बाकी और कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको USB टाइप बी केबल देखने को मिल जाती है चार्ज करने के लिए। बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है, बॉक्स है खाली। तो दोस्तों ये रहा आपका लाजवाब JBL का स्पीकर, तो काफ़ी अच्छा है, ग्रिप में भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी फिट आ रहा है एकदम हाथ में। और पकड़ने के लिए यहाँ पे आपको डोरी भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक अच्छी डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है, प्ले पॉज बटन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन और ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए बटन दिया गया है। ये आपका ऑन ऑफ का बटन होगा यहाँ पे, और चार्जिंग का आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसमें आप ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं इसके साथ साथ। तो बाकी तो कुछ नहीं है, यहाँ पर JBL का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी आपको चेक करा देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक बटन देखने को मिल जाता है इसे ऑन करने के लिए, उसको थोड़ा देर तक पुश करके रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए ऑन हो गया, यहां पे लाइट जल गई। अब आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए यहां पे ब्लूटूथ का जो बटन दिया गया है उसे दबाना पड़ेगा एक बार। ये देखिए लाइट आपकी ब्लू हो गई। अब इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन ऑन कर दिया है, ये मैंने ब्लूटूथ ऑन किया, तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है जो आ गया, तो इसे कनेक्ट करेंगे, पेयर करेंगे यहाँ से। तो पेयर हो गया, देखिए साउंड भी आपको मिल गया इसका। तो यहाँ पे मैं साउंड लगा देता हूँ, देखिए ये इसका साउंड होगा। आवाज़ वॉल्यूम यहाँ से तेज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से फुल आपका। आपने इसका साउंड काफ़ी बेहतरीन साउंड है दोस्तों, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है स्पीकर। तो आप इसे ऑनलाइन और मार्केट से परचेज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और साउंड क्वालिटी में तो काफ़ी बेहतरीन है, और पानी का भी इसमें कोई असर नहीं होने वाला। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना मुझे। धन्यवाद दोस्तों।